गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाय हेमंत कुमार। आज हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि एनपीटीएल स्वयं में हम लोग असाइनमेंट देना भूल गए, तो उससे क्या होगा। असाइनमेंट देना भूल गए तो असाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है सर्टिफिकेट पाने के लिए। एनपीटीएल एग्ज़ाम भी ज़रूरी है और असाइनमेंट भी देना ज़रूरी है, मगर उसका एक सोल्यूशन भी है। अगर आप 12 वीक का कोर्स लिए हैं, 3 क्रेडिट का कोर्स लिए हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीक़ा से होता है, मतलब क्रिटेरिया फॉर कोर्स सर्टिफिकेट। देखिए आपको बताता हूँ, आगे चलिए। कोर्स सर्टिफिकेट है, इसका तो डेट दिया हुआ, क्रिटेरिया टू गेट ए सर्टिफिकेट। क्या क्रिटेरिया है जिसके कारण, जिसके बाद हमको गेट सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट मिल सकता है। एवरेज असाइनमेंट स्कोर बराबर 25% ऑफ एवरेज ऑफ बेस्ट 8 असाइनमेंट आउट ऑफ द टोटल 12 असाइनमेंट मिलेगा। 12 वीक का है तो 12 असाइनमेंट मिलेगा। बेस्ट 8 असाइनमेंट जो है, मैं अगर जिसमें मेरा ज़्यादा स्कोर होगा उसका 25% मार्क जुटेगा। एग्जाम स्कोर बराबर 75% ऑफ द प्रोटेक्टेड सर्टिफिकेशन एग्जाम स्कोर आउट ऑफ 100। 100 में से 75% हमको प्रोटेक्टेड सर्टिफिकेशन एग्जाम लाना पड़ेगा, तब फाइनल स्कोर बराबर एवरेज असाइनमेंट स्कोर प्लस एग्जाम स्कोर। यू विल बी एलिजिबल फॉर ए सर्टिफिकेट ओनली इफ एवरेज असाइनमेंट स्कोर ग्रेटर इक्वल देन 10/25 एंड एग्जाम स्कोर ग्रेटर इक्वल देन 30/75। इफ वन ऑफ द टू क्रिटेरिया इज नॉट मेट, यू विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट इवन इफ द फाइनल स्कोर ग्रेटर इक्वल देन 40/100। इसे कहने के मतलब कि आपको एग्जाम जो होगा 100 मार्क का, जो आपके पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में जो हो रहा है किसी एक ज़िले में, वहाँ पे अगर आप 75% 100 का लाइएगा और एवरेज असाइनमेंट जो है 25% जो होगा आपका, दोनों क्रिटेरिया में से कोई एक क्रिटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तब पर भी आपको गेट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दोनों क्रिटेरिया मेरा फुलफिल होना चाहिए, दोनों मिला के 40/100 होना चाहिए आपका स्कोर। ये हो गया था थर्ड क्रेडिट वालों के लिए, जिसका बारह वीक का कोर्स है थर्ड क्रेडिट। अब टू क्रेडिट वालों के लिए देखते हैं उसका क्या क्रिटेरिया है। अगर मान लीजिए 3 क्रेडिट वाले जो विद्यार्थी हैं, वो 12 असाइनमेंट में से 8 असाइनमेंट दिए हैं अच्छे से और 4 असाइनमेंट भूल भी गए तो कोई बात नहीं, मगर 4 असाइनमेंट भूलना नहीं है, उसको भी देना नेसेसरी है। मगर कभी कभी होते हैं कि कोई विद्यार्थी भूल जाते हैं, तो मगर उसके ज़रूरी ही है, भूल गए तो आप 2 भूल गए, 3 भूल गए, जानबूझ के अगर छोड़िएगा तो फिर तो आगे चलकर दिक्कत होगा। अब जैसे 3 क्रेडिट वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, 4 असाइनमेंट छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 8 असाइनमेंट उसका बेस्ट असाइनमेंट होना चाहिए। अब 2 क्रेडिट वालों के लिए बताते हैं। देखिए 2 क्रेडिट में देखते हैं, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल, जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये 2 क्रेडिट का कोर्स है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको 2 क्रेडिट यहाँ लिखा, 2 क्रेडिट लिखा हुआ, क्रेडिट पॉइंट्स 8 वीक का कोर्स है ये। आगे चलिए देखते हैं इसका क्रिटेरिया क्या है। क्रिटेरिया टू गेट ए सर्टिफिकेट में हम लोग आगे देखते हैं क्या इसका क्रिटेरिया है, ठीक है। क्रिटेरिया टू गेट ए सर्टिफिकेट, एवरेज असाइनमेंट स्कोर बराबर 25% ऑफ एवरेज ऑफ बेस्ट 6 असाइनमेंट आउट ऑफ द टोटल 8। इसमें 8 वीक का है तो 8 असाइनमेंट है, इसका बेस्ट 6 असाइनमेंट जो है उसको आपको मार्क कंसीडर किया जाएगा। 2 असाइनमेंट आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत है, मगर 2 असाइनमेंट भूलना नहीं नेसेसरी वो भी है, मगर 3 असाइनमेंट अगर भूल गए हैं इसमें तो मैं इसका बता नहीं सकता, क्योंकि आपको ईमेल करना होगा एनपीटीएल को कि सर मैं 3 असाइनमेंट भूल गया हूँ, तो इसका कुछ कंडीशन मुझे पता नहीं है। मगर ये आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्या कि आप लोगों को ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसका क्रेडिट जुड़ता है, इसका मार्क जुड़ता है, नहीं तो इसमें कैरी लगने का डर रहता है, इसमें आगे चलकर कैरी लगने का डर रहता है, जैसा कि आप लोग खुद जानते होंगे। असाइनमेंट गिवन इन द कोर्स एग्जाम स्कोर बराबर 75% ऑफ द प्रोटेक्टेड सर्टिफिकेट एग्जाम स्कोर आउट ऑफ 100। सेम उसी तरह का इसका भी प्रोसीड्यूर है जो थर्ड ग्रेड वालों के लिए था, मगर इसका बेस्ट 6 असाइनमेंट, क्योंकि इसका 8 वीक का है इसलिए 6, हम लोग का 12 वीक का था, जिसका 3 ग्रेड का उसका 12 वीक का था इसलिए उसमें 8 था। तो यू विल बी एलिजिबल, इसमें भी 10/30, उसमें भी सेम प्रोसीड्यूर है, बोले इसमें भी 40/100 लाइएगा तो इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जिस तरीका से आप लोग देख सकते हैं कि अगर असाइनमेंट छूट रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है सर्टिफिकेट, अगर असाइनमेंट छोड़ दिए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दोनों में से दोनों क्रिटेरिया फुलफिल होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं आप, इफ़ वन ऑफ द टू क्रिटेरिया इज नॉट मेट यू विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट इवन इफ द फाइनल स्कोर ग्रेटर इक्वल देन 40/100। अगर दोनों में से कोई क्रिटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जबकि फाइनल स्कोर 40/100 होना चाहिए, 40/100 होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।